सन 2019 को राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पारित पास हो गया और अब तीन तलाक बिल कानून बन गया। अब भी यदि कोई गैर कानूनी रूप से तीन तलाक बोलता है तो उसको 3 साल की सजा होगी और तीन तलाक पीड़ित महिला को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे और पीड़ित महिलाओं को आवास योजना और इलाज की सुविधा भी मिलेगी और यदि वे पढ़ी लिखी है तो उसको सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाएगा। अब तो तलाक तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों की आपसी सहमति हो, लेकिन आपसी सहमति के लिए भी दोनों पक्षों को अदालत में 2 बार पेश होना पड़ता है और 3 शर्तों को मानना जरूरी होता है। पहली शर्त, दोनों पार्टी 1 वर्ष से अलग रह रहे हो और उनके बीच 1 साल से कोई भी वैवाहिक संबंध न बना हो। दूसरी, कोई भी सुलह या समायोजन उन दोनों पक्षों के बीच अब संभव न रहा हो। तीसरी, उन्होंने आपसी सहमति के लिए स्वतंत्र रूप से अपने समझौते के लिए आपसी सहमति दे दी हो। दोनों पक्षों को अदालत में पेश होने के लिए उनके सामने एक कैथलिक बोर्ड पर एक हस्ताक्षर याचिका दर्ज की जाती है जिस पर उन दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और तब कि वे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तब उनका तलाक हो जाता है। अतः व्यवहार में स्त्री पर पुरुष को उंगली उठाने से बचना चाहिए। आखिर स्त्री और पुरुष एक साथ होंगे तभी तो जिंदगी का चक्र पूरा होगा। पुरुष संग स्त्री ऐसी है जैसे शरीर संग आत्मा, पानी संग उसकी लहर और आग और उसकी तपन। देश तभी तरक्की करेगा जब स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी महिला सशक्तिकरण के लिए भारतवर्ष के निर्माण के लिए मजबूत होगी। जय हिंद, जय भारत।